सेशन ऑफ इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर इंग्लिश ग्रामर्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। तो चलिए स्टार्ट करें। तो कैपिटल लेटर्स सबसे पहले क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है बड़े अक्षर, जैसे ए टू जेड तक बड़ी ए बी सी डी। और सेकंड है पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। तो इनको हमें कहां लगाना है इंग्लिश में और सेंटेंसेस में कहां कहां यूज करना है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले टॉपिक जो है हमारे पास वो है कैपिटल लेटर्स, मतलब बड़े अक्षर ए टू जेड तक होते हैं। तो इनको हमें कहां यूज करना है बड़े अक्षर को? हर जगह हम बड़े अक्षर नहीं लगा सकते। अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं बीच में अगर हम बड़े छोटे अक्षर लगाते जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस। तो चलिए देखिए इसकी सही फॉर्म क्या है, कैसे लगाना है इसको। तो जैसे कि कैपिटल लेटर्स इज यूज्ड टू बिगिन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस मतलब किसी भी लाइन को अगर हमें शुरू करना है तो उसकी शुरुआत हम बड़े अक्षर से ही करेंगे हमेशा। जैसे कि मैंने ये लाइन शुरू की है तो इसका सब फर्स्ट अक्षर मैंने बड़ा रखा है कैपिटल का, ठीक है। तो चाहे कुछ भी लिखा हो फर्स्ट अक्षर हमें हमेशा बड़ा रखना है। और जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं एक बार, फुल स्टॉप के बाद में हम न्यू लाइन शुरू करेंगे, न्यू सेंटेंस शुरू करेंगे, तो उसका भी पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेम्स ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम है लाइक सीता, गीता, रमेश, राहुल, कोई भी नाम है उसका फर्स्ट अक्षर बड़ा आएगा। और वो नेम चाहे तो किसी सेंटेंस के बीच में है, चाहे एंड में है, चाहे शुरू में है, कहीं पे भी आए उसका पहला अक्षर हम हमेशा बड़ा ही लगाएंगे। नेक्स्ट प्लेसेस के नेम क्या है? प्लेसेस जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तो इन जैसे जगह है तो इनके नामों के भी आगे पहला अक्षर जो होगा वो हमेशा बड़ा ही आएगा। नेक्स्ट है स्टेट्स, राज्यों के नाम क्या है? जैसे हैदराबाद, पंजाब, राजस्थान, इनके भी पहले अक्षर हमेशा बड़े आएंगे, चाहे ये सेंटेंसेस कहीं पे भी सेंटेंस में ये वर्ड लिखे हो। नेक्स्ट कंट्रीज के नेम क्या है? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, जो भी हमारे कंट्रीज के नेम होंगे उनके भी फर्स्ट अक्षर हमेशा बड़े ही आएंगे। नेक्स्ट नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, बहुत मशहूर बिल्डिंग्स जो होती है, ऐसे नहीं कि आपके घर की बिल्डिंग आप उसमें भी पहले अक्षर बड़ा लगा दोगे। वेल नोन बिल्डिंग जैसे कि द रेड फोर्ट, इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा आएगा, तो ताजमहल, तो ऐसे जो भी वेल नोन बिल्डिंग्स होंगी उनके भी नेम के पहले अक्षर हमेशा बड़े आएंगे। नेक्स्ट रिवर्स, रिवर्स होती है नदियां, जैसे द गंगा, द यमुना, द नाइल, तो ऐसी जो भी नदियां हैं उनके भी नेम के पहले अक्षर हमेशा बड़े आएंगे। नेक्स्ट इज माउंटेन्स, पर्वत होते हैं जो उनके भी, जैसे द शिवालिक, द हिमालयास, तो इनके भी अक्षर पहले हमेशा बड़े आएंगे। नेक्स्ट इज नेम ऑफ बुक्स, जो भी बुक्स होती है जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसका भी पहला अक्षर जो होगा कहीं पे भी आए ये नेम बड़ा ही आएगा इसका फर्स्ट अक्षर। आगे है न्यूज़पेपर, जैसे द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, इनके भी फर्स्ट अक्षर जो होंगे वो हमेशा बड़े आएंगे। नेक्स्ट इज नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, तो जो भी डेज के नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जहां पे भी ये लिखे आएंगे वहां पे ही इनका अक्षर बड़ा आएगा पहले। और मंथ्स जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इनके जहां पे भी नेम आ जाएंगे, चाहे वो सेंटेंस के मिड में आए, चाहे वो सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आए, या सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में आए, जहां पे भी आएंगे आप इनके फर्स्ट अक्षर हमेशा बड़े ही लगाएंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे पंक्चुएशन की तरफ, जिनको हम विराम चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा पंक्चुएशन वर्ड है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होता है बिंदु, यू नो वेरी वेल, फुल स्टॉप हम हमेशा किसी भी लाइन के बिल्कुल एंड में लगाते हैं। जब हमने कोई लाइन पूरी कर दी है, खत्म कर दी है, तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं ताकि उसको कंटिन्यू ना रहे, उस पर हम एक विराम दे देते हैं। जैसे इज यूज एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट एंड कमांड, किसी भी स्टेटमेंट और कमांड के एंड में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे रीटा इज गोइंग टू द मार्केट, फुल स्टॉप। शी बायस दिस दिस, फुल स्टॉप। शी कम बैक टू योर होम, फुल स्टॉप। तो ऐसे हम जब भी एक लाइन को पूरा कर देते हैं सांस लेने के लिए, वहां पे हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं कि हाँ ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, तो ये हमें नाम से ही पता चल रहा है इस पंक्चुएशन का, क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन के एंड में जहां पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये कड़छी वाला चिन्ह, ये देखिए ये कड़छी वाला मार्क इस तरह से होता है, ये तो इसको लगा देना है क्वेश्चन मार्क को। जैसे व्हाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। इज दिस ट्रू, क्या ये सच है, क्वेश्चन मार्क। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके पीछे हमने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है आश्चर्यजनक चीजें, ठीक है। तो जब हमें कोई सडन
comma. What are you doing? तुम क्या कर रही हो? तो इस तरह से हम shortest pause के लिए use करते हैं with list of words. हमारे पास बहुत सारे words हैं जैसे oranges, I got oranges, apples, bananas, guavas. तो उन सभी पे मैं comma लगा दी जाऊंगी. तो इस तरह से जैसे we go there on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. जब हमें सारे लिखने हैं ऐसे तो हम उसमें comma लगाते जाएंगे list of words के साथ में. ठीक है, जिनकी हमें list है हमारे पास लंबी, ताकि ये ना लगे कि ये सारा एक ही वर्ड है, ऐसा लगे कि ये अलग अलग है. तो नेक्स्ट टू सेपरेट द वर्ड्स ऑफ एड्रेसेस. वर्ड ऑफ एड्रेसेस का मतलब होता है वेयर आर यू गोइंग, कोमा लगा के महेश. तुम कहाँ जा रहे हो? महेश. तो हमने पूरी लाइन पूरी वर्ड्स की, उसके बाद में हमें एक सांस लेना है, तब कोमा आएगा और उसके बाद में आप नेम रिपीट कर सकते हो. उसके लिए से यस नो प्लीज वेल. तो अगर हमने कहना है यस I go there, तो yes के बाद हम comma लगाएंगे. Well, I will do it. जब मैंने कहा well, तो well के बाद भी हम comma लगाएंगे. तो इस तरह से हम ऐसी चीजें, please के लिए please, don't go there, please के बाद भी हम comma लगाएंगे. तो ऐसी चीजों में भी हम comma का use करते हैं. And to separate the actual words of speaker from the rest of the sentence, और जो speaker ने मतलब बोलने वाले ने words कहे हैं, उसको पूरे बाकी sentence से अलग करने के लिए भी हम कोमे का यूज कर सकते हैं. जैसे आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैं कोमा लगा दूं, उसके बाद में जो भी लाइन मैंने कही है वो आ जाएगी. ठीक है, तो मैंने कहा जो भी है पूरी लाइन से मैंने अलग करने के लिए एक कोमा लगा दिया है, और जो बाकी की लाइन है वो किस में आएगी? इन्वर्टेड कोमास में. इन्वर्टेड कोमास देखिए क्या होते हैं, ये डबल वाले, ऊपर से दो इधर है, दो इधर है ऊपर से, मतलब इस तरह से हमने बंद कर दिया किसी सेंटेंस को. तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसका यूज हम वहां पे करते हैं जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, स्पीकर ने कहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं. आर यूज टू एनक्लोज द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर. स्पीकर ने जो एक्चुअल में वर्ड कहे हैं उसको एनक्लोज मतलब उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं. जैसे I said to him, please give me your pen. I said to him, please give me your pen. इसको हमने inverted commas में कर दिया. ठीक है, तो next है apostrophe. तो apostrophe होता है ये छोटा सा comma बेटा. इसका हम use कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका use भी हम कई जगह पे करते हैं. एक तो हम इसका use करते हैं to show possession. Possession होता है अपनापन show करने के लिए किसी भी चीज़. जैसे this is Sita's book. ये सीता की book है. तो सीता लिखते हुए सीता के बाद में apostrophe लगा के फिर हम ऐसे लगाएंगे. जैसे कि ऐसे सीता सीता apostrophe then s. तो इस तरह से ये बन जाएगा सीता की किताब है. This is Rita's pen. तो Rita z बनाने के लिए हम पहले apostrophe लगाएंगे, उसके बाद में हम इसके s लगाएंगे. तो इस तरह से ये possession show करने के लिए भी हम apostrophe का use करते हैं. Next है omission. Omission का मतलब होता है अगर हमें बीच में से कोई सेंटेंस को खत्म करना है या उसको भूलना है, उसको नहीं लेना है, तब भी हम किसका यूज करते हैं? apostrophe का. जैसे कि I am मैं ऐसे लिखती हूँ, अगर मुझे इसमें से ए को भूलना है तो मैं लिखूंगी I apostrophe only am. ये क्या बन गया? am. तो इस तरह से हम apostrophe का यूज omission के लिए भी करते हैं. और लास्ट एंड shortened forms के लिए, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो हम apostrophe का यूज short forms बनाने के लिए भी करते हैं. जैसे do not, क्या बना देंगे हम इसका? don't. ठीक है, did not, क्या बना देंगे इसका? didn't. should not, shouldn't, would not, don't. तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म्स बनाने के लिए भी हम apostrophe का यूज करते हैं. तो आपको ये वीडियो समझ में आई और कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू एंड